1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा एक काम किया था, इमरजेंसी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी, और उस इमरजेंसी के बाद मुझे लगता था कि शायद लोकतंत्र और सारे का सारा जनतंत्र खतरे में आ गया था, और हमें नहीं लगता था कि कभी इस इमरजेंसी के दौर से बाहर आएंगे। लाखों लाखों लोग जेलों में सड़ रहे थे, लाखों लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था, और आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी, जैसे अभी राजकिशोर जी बता रहे थे, इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद जब उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया जस्टिस सिन्हा ने, उसके बाद देश में एकदम से इमरजेंसी लगाई गई, और 25 जून की रात्रि, मध्य रात्रि, यहाँ तक मुझे पता है, और मैं अभी देख रहा था, मैंने पीछे सुना और पढ़ा कि इमरजेंसी लगाते हुए इवन जो हमारी कैबिनेट थी, कैबिनेट तक को भी नहीं पता था रात को इस फैसले का। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री संजय टंडन जी, जिलाध्यक्ष श्री सतपाल वर्मा जी, राजकिशोर जी, और मेरे सामने बैठे जो हम पार्टी की तरफ से और जो पूरे देश में जिनको हम कहते हैं लोकतंत्र के प्राय, ये जो श्री जितेंद्र चोपड़ा जी बैठे हैं मेरे सामने, इन्होंने 19 महीने इमरजेंसी में जेल में लगाए, जेल में बिताए। तो इमरजेंसी लगते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे श्री जितेंद्र चोपड़ा जी, मैं इनको नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सतपाल वर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, और प्रोग्राम का मंच का संचालन कर रहे हमारे राजकिशोर जी, और अभी अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, पार्टी के उपाध्यक्ष कैलाश जैन जी। आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने आपातकालीन स्थिति के समय जेल के अंदर गए, जितेंद्र चोपड़ा जी और पुरुषोत्तम जी, शायद उस समय जेल में गए नहीं थे, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने उस समय के सब हालात को बाहर रहकर संचालन कर रहे थे। धर्मवीर नारायण जी हमारे साथ हैं, जो ये लगभग 6 महीने के लिए DIR के अंदर रहे, लेकिन इनके पिताजी जो प्रेम नारायण जी, वो 19 महीने वो जेल में रहे। मेरे पिताजी बलराम जी दास टंडन, वो भी 19 महीने जेल में रहे। आज का दिन की जो इम्पोर्टेंस और आवश्यकता खासकर उन लोगों को समझने के लिए है कि जो जिन लोगों का जन्म लगभग 1965 के बाद का हुआ हो, उन लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि इमरजेंसी थी क्या, हुआ क्या था। जो लोग उससे पहले के पैदा हुए, उन्होंने तो अपनी आंखों से वो चीज देखी होगी। महान साहब नमस्कार, आपने एक काफी लंबा अरसा जो है इमरजेंसी के दौरान जेल में काटा। ठीक है, तो उसके बारे में जो आपका अनुभव था, तो उस दौरान जो आपके जेल में बंद साथी थे, उनसे संदेश वगैरह कैसे भेजते थे? बड़ा मुश्किल काम था इमरजेंसी में। सबसे पहले तो उनकी याद आती है, मोहन श्रीचंद जी गोयल, पंडित राम सिंह शर्मा जी, जो 19 महीने इमरजेंसी जेल में रहे, देसाई टंडन, जितेंद्र चोपड़ा, सूर्य महंत जी, प्रेम नारद जी, बाबू दलीप चंद जी, जितेंद्र वीर जी, इसी तरह ओम हुजा और बाकी कार्यकर्ता। घर का चूल्हा खराब हो गया जी, छोटे छोटे बच्चे जी, प्रैक्टिस रीजन गोयल जी की बंद हो गई जी। कैसे हालात में इमरजेंसी में जी इन परिवारों को मेरे पास अंडरग्राउंड के अंदर 32 लोग जो थे संघ के अधिकारी सारे,
ठाकुर राम सिंह की याद आती है, हमारे बीच में नहीं रहे। इसी तरह जातियां सहते हुए भाई साहब मैं ये पूछ रहा था, निकलते हुए उस वक्त ना कोई फोन था ना कोई और साधन होता था, सोशल मीडिया नहीं था, मतलब लैंडलाइन भी नहीं होती थी, मेरे ख्याल से बहुत कम होती थी। उस वक्त आप संदेश कैसे भेजते थे अपने मित्रों के साथियों की, कैसे सहायता करते थे? संदेश ये था कि हमने शहर को 12 हिस्सों में बांट रखा था, उनके नाम रखे हुए थे लदा लदा जी, लदा लदा नाम थे, कोड वर्ड थे, ठीक है। वहीं से संदेश सैकड़ों स्टाइल मशीन चलती थी जी, तो रात को कहते थे आपके घर से बड़ा रौला पड़ता है जी, क्योंकि माल बढ़ते सफाई करती है। मतलब एक तरह से भारत आजाद होने के बाद आपको फिर एक क्रांतिकारी की तरह ही काम करना पड़ा। और इसके साथ साथ लोगों को जोड़ने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने उस वक्त संघ के कार्यकर्ता महावीर जी और दूसरे कार्यकर्ता नरेंद्र दास जी सैकड़ों पर चलते थे जी, बड़े उच्च अधिकारी, और ये सैकड़ों में चलकर संदेश अपने आप हर घर पहुंच जाता था। सही मायने में संघ के कार्यकर्ताओं ने कोई स्कूटर नहीं था तो कुछ नहीं था जी, सिर्फ साइकिल था और सारा संदेश सैकड़ों स्टाइल डोर टू डोर घर घर पहुँचाना, घर घर जाना, घर घर आना, सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना, 8 बजे तक निकल करके इस काम में लग जाना। हमारे साथ हैं जितेंद्र चोपड़ा जी, सारा शहर जिन्हें चाचा जी के नाम से जानता है। चाचा जी आपने भी जेल काटी है इमरजेंसी के दौरान? मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे हमारा जो ग्रुप था कहीं बैठ के डिसाइड हुआ था सारी पार्टी का कैसे कैसे ये संचालित करना है, कैसे कैसे ग्रुप जाने हैं, कैसे कैसे रेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रुप था, मैं था, रविंदर सहगल था, कृष्ण मजंदा 17-19 वाले नंबर 2 वाले वो थे, और ओम हुआ जी। हमने अपनी प्लानिंग बनाई थी, हमारा दिखाई ये होगा आपका पहला जाएगा। हमने बड़ी खुशी से ऑन किया और हम 19 की मार्केट में हमने आपस में तय किया 19 मार्केट में हम सत्याग्रह करेंगे। अच्छा चाचा जी, यातनाएं तो लगभग जितने भी अब सीनियर कार्यकर्ता थे बीजेपी वाले हमने उनसे सुन रही हैं, जेल में आपको खाना पीना कैसा दिया जाता था? खाना पीना ठीक था, हम किसी पे निर्भर नहीं थे, हम सामान जो मिलता था हम आप बनाते थे, आप पकाते थे, आप बांटते थे, आप। और घर वालों को संदेश वगैरह भेजना होता था वो कैसे? वो एक महीने के बाद जब आते थे हम तो उनको मना करते थे कि मेरे को आओ ही ना जी। बहुत बार मजबूर किया लोगों ने, मजबूर किया कहीं ने, पुलिस ने बहुत मजबूर किया, आप जो लोग देखे दे दो, आप बाहर चले जाओगे अपने बच्चों में रहोगे, माफ़ी मांगने के लिए बोला गया आपको? माफ़ी मांग। और हमने अपनी ज़िंदगी में हमने ये ही कहा था कि माफ़ी नहीं मांगी, सिर कलम करा देंगे, माफ़ी नहीं। और जेल के अधिकारियों का कैसा व्यवहार था आपके साथ? जेल जो सुभजन प्रसाद मिस्टर शर्मा उसके व्यवहार ठीक थे हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं आई। उसने फिर हमारे से बैठ कर सारी नेगोशिएशन कर ली कि भाई 2 बंदे रिमूव कर लो, जो सामान लाएंगे देंगे करेंगे जो भी बात होगी वो ही करेंगे, एक मैं था एक रविंदर सहगल जी। और ये चंडीगढ़ की बड़ैल जेल में रखा गया था? बड़ैल 21 लोग थे जिसमें कांग्रेस के श्री लखनपाल जी और 2 नंद मार्गी थे, एक सेक्टर 22 था महीपाल और एक उनका था, 3 लोग थे, 18 हम। लेकिन वर्मा जी कांग्रेस ने उस वक्त जो निर्णय लिया था वो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम उनको झेलने पड़ रहे हैं। अभी बिल्कुल परिवारवाद है, उन्होंने अपने ही परिवार को बढ़ा दिया है, समाज संगठित कैसे होगा उसके बारे में विचार नहीं किया, गरीब को अलग रखा, मुसलमानों को अलग से रखा, वोट बैंक के लालच में हमारा जो प्यार था उस प्यार में हमारे को इकट्ठा नहीं होने दिया। आज भी बहुत प्रदेशों में हमने देखा है तो दृश्य भावना से एक दूसरे को देखा जाता है, तो
ये कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस का ही देन है, तो ताकि अलग अलग विचारधारा इकट्ठी कर, ऐसा था कि हमारे जो बुजुर्ग थे और हमारे ताया थे और दूसरे लोग थे, वो उनको हमने देखा है, हम तो छोटे थे, मगर यातनाएं सरकार ने बहुत बार दी, पूरे देश में जितने भी हमारे बुद्धिजीवी थे, काम करने वाले देश के प्रति प्यार थे, उनके ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर था कि कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, एक नहीं अनेकों पर, तो उसका नुकसान हमारे समाज को सहना पड़ा, हमारा समाज संगठित नहीं हो पाया, समाज को उन्होंने बांट के रखा, हिंदू मुस्लिम सिख इनको इकट्ठा नहीं होने दिया, तो ये सब यातनाएं का ही एक बात जी। उसने समाज ने तो उनके इस कृत्य को सहा है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं आज कांग्रेस भी उस चीज़ को सह रही है। कांग्रेस का काम जो है बांटने का, आज भी बांट रही है, अब दलित को गरीब बंदों को बोल के 1,00,000 रुपये दे दिए साल का, कहाँ से दे?